नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ अर्शद अंसारी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राउत की जमानत पर नौ को फैसला, रेत तस्करों ने किया जेसीबी के हैंगर से हमला। घाटकोपर में मॉल में स्लाइड से गिरने से छोटी बच्ची की मौत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राउत की जमानत पर नौ को फैसला। मुंबई की एक विशेष अदालत ने धनशोधन मामले में गिरफ्तार शिवसेना के सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि वो 9 नवंबर को निर्णय सुनाएगी। जी हां, राउत को अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उनकी न्यायिक हिरासत 9 नवंबर तक बढ़ा दी। धनशोधन निवारण अधिनियम PAMLA से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश MG देशपांडे ने कहा कि वो मामले में सह आरोपी प्रवीण राउत की जमानत याचिका पर 9 नवंबर को फैसला सुनाएंगे। जी हां, ईडी ने उपनगरीय गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल के पुनर्विकास में वित्तीय अभिनेताओं में कथित भूमिका के लिए इस साल जुलाई में राज्यसभा सदस्य संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया था। रेत तस्करों ने किया जेसीबी के हैंगर से हमला, तहसीलदार ने किए दो हवाई फायर। ट्रक और जेसीबी चालक भागे, रेत का स्टॉक चुरा रहे दो लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोकने गए। तहसीलदार के दस्ते पर जेसीबी के हैंगर से हमले का प्रयास किया गया। जी हां, आत्मरक्षा के लिए इसके जवाब में तहसीलदार ने दो हवाई फायर किए जिसके बाद ट्रक और जेसीबी चालक घटनास्थल से भाग गए। घटना मोहाड़ी तहसील के रोहा परिसर में हुई। SP लोहित मतानी ने आज देर रात में मोहाड़ी का दौरा करने के बाद घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आज अपराह करीब 3:30 बजे रोहा परिसर में रेत के दो स्टॉक ट्रक और जेसीबी के जरिए चुराए जाने की जानकारी मिलने के बाद मोहाड़ी के तहसीलदार दीपक करंडे ने नेतृत्व वाला दस्ता कार्रवाई करने पहुंचा, लेकिन मौके पर मौजूद जेसीबी चालक ने उसका हैंगर घुमाकर उन पर हमला किया। जी हां, और जेसीबी और ट्रक लेकर जाने लगे। तहसीलदार ने एक राउंड हवाई फायर कर उन्हें रोकने को कहते हुए उनका पीछा किया तो जेसीबी चालक ने फिर हैंगर घुमाकर उन पर हमला कर दिया। आत्मरक्षा के लिए तहसीलदार ने सहायक साहस का प्रदर्शन करते हुए दूसरा हवाई फायर किया जिसके बाद आरोपी अपने वाहन छोड़ वहां से भाग गए। SP मतानी ने बताया तहसीलदार का बयान दर्ज कर दोनों आरोपियों के खिलाफ मोहाड़ी थाने में भादनवी की धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जी हां, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई देर रात तक जारी रही। घाटकोपर में मॉल में स्लाइड से गिरने से छोटी बच्ची की मौत। घाटकोपर के नीलयोग मॉल में किड्स जोन में रविवार को हुए भीषण हादसे में 3.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। जी हां, पुलिस अधिकारियों के अनुसार स्थानीय पंत नगर पुलिस ने मामले में आकस्मिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की है क्योंकि परिसर में अनौपचारिक शिकायत नहीं की थी। पंत नगर थाने के एक अधिकारी ने कहा कि घटना रविवार शाम की है जब लड़की दलिशा वर्मा अपने माता पिता के साथ नीलयोग मॉल जा रही थी जिस पर चोट लगी। पुलिस के मुताबिक परिवार मॉल की 5वीं मंजिल पर स्थित किड्स जोन में गया और दलिशा वह खेलने लगी। जी हां, वो स्लाइड पर नीचे गिरते समय गिर गई जिससे उसके सिर पर चोट लग गई। बच्ची को उसके पिता करण वर्मा ने फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया। शाम करीब 5:15 बजे उसका इलाज कर रहे डॉक्टर ने गिरने के कारण उसके सिर पर लगी चोटों के कारण उसे मृत घोषित कर दिया। जी हां, राजवाड़ी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया जहां डॉक्टरों को शरीर पर कोई सतही चोट नहीं मिली। अधिक विश्लेषण के लिए विसरा और रक्त के नमूने हिस्टोपैथोलॉजी विभाग को भेजे। पुलिस को संदेह है कि उबड़ खाबड़ सतह से टकराने के बाद बच्चे को आंतरिक रक्तस्राव हुआ होगा क्योंकि माता पिता ने किसी के खिलाफ शिकायत नहीं की, इसलिए मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। पुलिस ने एक आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट ली गई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ के भी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा ऐसे ही कुछ खास
दिल को दहला देने वाली खबरें। नमस्कार।